अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर का टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। आज हम फ्लो चार्ट और उसके सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। फ्लो चार्ट किससे कहते हैं? एक्चुअली फ्लो चार्ट कहते हैं पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। कि कोई भी एल्गोरिथम है उसकी तस्वीरी शक्ल को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब एल्गोरिथम किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं, जिसको राइट किया जाता है यानी कि लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई हुई थी कि मैंने पानी का गिलास पीना है, पानी पीना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उठूँगा, पानी के कूलर के पास जाऊँगा, गिलास पकड़ूँगा, उसमें गिलास में पानी डालूँगा और फिर पानी पी के गिलास उस कूलर पर रखकर अपनी जगह पर वापस आ जाऊँगा। अब ये सब मैं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैंने तस्वीरी शक्ल में लेके आना, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है, अब मैं मोबाइल फ़ोन के एग्जैक्ट पिक्चर ड्रा करूँगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मोबाइल फ़ोन है। अगर मैं वहाँ पर कुर्सी ड्रा कर दूँ तो आप लोगों को कहूँ कि ये मोबाइल फ़ोन है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये कुर्सी है, ये मोबाइल फ़ोन ही है। तो इसी तरह हर एक प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को तस्वीरी शक्ल में लाने को फ्लो चार्ट कहते हैं। अब उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके सिंबल्स क्या हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका जो सिंबल होता है वो ओवल शेप होता है, यानी कि सर्कल शेप नहीं होता, ओवल शेप होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब भी हमें अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस सिंबल का स्टार्ट में भी इस्तेमाल करना होगा और एंड पे भी इस्तेमाल करना होगा। ये सिंबल्स हमारे स्टार्ट भी हमारा फ्लो चार्ट, फॉर एग्जांपल हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट इस सिंबल से स्टार्ट होगा, एंड भी हमारा इस सिंबल से ही होगा। नेक्स्ट जो है उसका सिंबल वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल के मैं एक प्रॉब्लम है उसमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, तो अब जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी वो सी में जाएगी, तो इस चीज़ को प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि ए प्लस बी में जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों को प्लस होकर किस में स्टोर होगी? सी में होगी। इस चीज़ को प्रोसेसिंग कहते हैं। वो किस में होगी? वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी। आगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके लिए होता है? इनपुट आउटपुट के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सी था, यहाँ पे इसकी इनको सम करने के बाद इसके जो आंसर आया वो 5 है, तो 5 किस में स्टोर होगा? सी में स्टोर होगा। अब इसकी आउटपुट जो है मेरे पास वो 5 आई है, तो इसे आउटपुट कहते हैं। यानी कि जो चीज़ हम देख सकें, जो चीज़ हमें कंप्यूटर शो करवा सके, उसे आउटपुट कहते हैं। तो किस में शो होती है? पैरेललोग्राम में। आगे डायमंड शेप है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए या कंडीशन के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी जब प्रॉब्लम में कंडीशन आ जाए तो इसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर गए हैं तो वहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड किया, तो वहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, इफ़ अगर कि इसका जो पासवर्ड और ईमेल करेक्ट है तो इसको वेबसाइट का दूसरा पेज दिखा दिया जाए, अगर इसका पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है तो इसको एक और पेज दिखा दिया जाए जिस पर ये लिखा होगा प्लीज़ फॉरगेट योर पासवर्ड, या ये लिखा होगा ईमेल एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। तो ये डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे कंडीशन लग जाती है। आगे कनेक्टर। कनेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है? कनेक्टर फ्लो चार्ट्स को आपस में, दो फ्लो चार्ट को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया किसी बड़ी प्रॉब्लम को, पहले मैं हाफ उसको इस तरह सॉल्व करूँगा और बाद में हाफ इस तरह सॉल्व करूँगा। अब प्रॉब्लम तो सेम थी लेकिन उसको मैंने अलग अलग सॉल्व किया, तकसीम करके सॉल्व किया, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा? कनेक्टर का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे जो ये सिंबल है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है ऑफ ऑन पेज कनेक्टर के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लो चार्ट लिख रहे हो, आप पूरा पेज है फ्लो चार्ट लिख रहे हो, तो वो पेज ख़त्म हो गया है, तो अब आप किसी इंसान को बताने के लिए, किसी शख्स को बताने के लिए कि ये फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो, आगे भी है, तो उसके लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोर्ड में एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके लास्ट में लिखा होता है टर्न ओवर द पेज, या प्लीज़ टर्न ओवर पेज, या वर्क उल्टी है या वर्क पलटी है, तो आपको ये बताया जाता है कि आपका जो पेपर है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अपना पेज पलटें, आगे भी आपके क्वेश्चन यहाँ तक, बस आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व हुआ है। तो इसी तरह ही अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो, एक पेज पे कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए आप आगे उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं ताकि
जो इंसान हो, जो भी शख्स हो जिसको ये प्रॉब्लम आप फ्लो चार्ट दिखा रहे, उसको पता चले कि अभी फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इससे आगे भी फ्लो चार्ट है। आगे ये फ्लो लाइन्स, फ्लो लाइन्स क्या करवाती है हमें, फ्लो चार्ट की डायरेक्शन के बारे में बताती है कि फ्लो चार्ट ने किस डायरेक्शन में जाना है, इसने कहाँ पर जाना है, किस तरह इस्तेमाल होना है। या आगे हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसमें फ्लो लाइन्स का मैं आपको बता दूंगा कि फ्लो लाइन्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे ये जो सिंबल है ये प्री डिफाइंड फंक्शन और सब रूटीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पहले से बन चुके हों, यानी कि उस लैंग्वेज के जिसने वो लैंग्वेज बनाई उसने उसके अंदर पहले से ही वो फंक्शन ऐड कर दी हो, उसको प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जस्ट हमने उसको ऐड करना है और उसका सोल्यूशन हल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कैलकुलेटर है, उसमें जो ये साइन कोस लॉग ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। हमने किसी भी चीज़ का लॉग लेना, हम जस्ट उस लॉग फंक्शन को दबाएंगे, अगर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा, इसे प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब प्री डिफाइंड फंक्शन सबरूटीन्स आगे चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे, अगर मैंने अभी डिस्कस किया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से दूसरी तरफ चले जाएंगे। आगे रिमार्क्स को कमेंट्स भी कहते हैं। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि मैंने यहाँ पे अपने कमेंट्स या रिमार्क्स लिख लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ है उसको मैं लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पे उसकी डेट लिख देता हूँ, जैसे 14 अप्रैल 4th month 2021 के जी ये जो लेक्चर है ये मैंने 14/3 को अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो ये मेरे रिमार्क्स आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे। कोई भी चीज़ मैं जब देखने लगूंगा तो मेरे पता चल जाएगा ये मैंने इस चीज़ को इसलिए इस्तेमाल किया था, इसको कमेंट्स कहते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, फ्लो चार्ट सिंबल फ्लो चार्ट। या आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके गाइडलाइंस, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।